आर्यन खान की गिरफ्तारी के 15 दिन बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बहुत बड़ा बयान आया है और इस बयान में उन्होंने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया है कि केंद्र सरकार जो है वो महाराष्ट्र को ड्रग्स वाला बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पर ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है, बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज को जबरदस्ती टारगेट करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ शोहरत बटोरने के लिए इन लोगों को फंसाया जा रहा है। इनका ये कहना है कि केंद्र में जो लोग बैठे हैं आज वो सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति से काम कर रहे हैं। इस तरह के सत्ता के नशे में चूर लोग जो केंद्र में बैठे हैं वो दूसरों के घरों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। एक सेलिब्रिटी को पकड़कर ढोल पीटने का काम हमारी पुलिस नहीं करती है, हमारी पुलिस बेहद ईमानदारी से काम करती है। अभी 150 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा था लेकिन इसमें कुछ भी हमने ढिंडोरा नहीं पीटा, हमारी जो मुंबई की पुलिस है वो बेहतर काम करती है, ढिंडोरा पीटने का काम नहीं करती, शोहरत बटोरने का काम नहीं करती। उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि सेलिब्रिटीज को पकड़कर जबरदस्ती शोहरत बटोरने की कोशिश की जा रही है। इनका यह भी कहना है कि अडानी पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है, उसके बारे में जांच पड़ताल नहीं की जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र को हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र में फिर से सत्ता पाने की कोशिश में सिर्फ महाराष्ट्र को बदनाम कर रही है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनसीबी का नाम लिए बिना भी उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि एनसीबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ शोहरत पाने के लिए काम कर, यानी कि इस पूरी बात में उद्धव ठाकरे का यही कहना था कि एनसीबी और बीजेपी और केंद्र सरकार ये सिर्फ शोहरत पाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। वही बीजेपी का ये कहना है कि ड्रग्स को खत्म करना और जुर्म को खत्म करना ये शोहरत बटोरने जैसा नहीं होता है, और अगर ये लगता है आपको कि ये शोहरत बटोरने जैसा है तो आप भी ये काम कर सकते हैं अगर आपके इरादे नेक हो। बॉलीवुड में ड्रग्स मिल रहा है तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं, इसमें बदनाम करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी में कुछ दिनों के बाद जुबानी जंग देखने को मिल सकती है।